एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की मुंबई में 12 अक्टूबर को हत्या कर दी गई थी। इस हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली है। सोशल मीडिया पोस्ट में गैंग के मेंबर ने लिखा था, सलमान खान की मदद करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। इसके बाद सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस बीच एबीपी न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में एक्टर सलमान खान के पिता सलीम खान ने बेटे को मिल रही धमकियों को फिरौती का मामला बताया है। उन्होंने कहा, सलमान खान ने हिरण का शिकार नहीं किया और ना ही उनके पास कोई बंदूक थी। सलमान ने आज तक एक कॉकरोच तक को नहीं मारा है। बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बुढ़िया ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए कहा, सलमान खान के पिता सलीम खान के बयान के मुताबिक तो फिर पुलिस, वन विभाग, चश्मदीद गवाह सब झूठे हैं। पुलिस ने हिरण का अवशेष बरामद किया, उसकी बंदूक भी बरामद की गई है। सलमान खान को जेल भी जाना पड़ा है। कोर्ट ने सभी सबूत को देखते हुए सलमान खान को हिरण शिकार का दोषी मानते हुए सजा सुनाई थी। सलमान खान और उसका पूरा परिवार झूठा है।